सनी जी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कब तक जाएंगे अभी हम वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का। और अभी शाम के बज गए हैं 7 और अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं किचन में और आज हमारे किचन में बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बन रहा है। बहुत दिनों मतलब बनता है बट मैं आई हूँ तो बहुत दिनों बाद मैं खाऊंगी। और यहाँ देखिए, ये है कोई बनाता है दाल वाली पूरी जो कि चने का दाल है। यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए वहाँ कढ़ाई में बन रहा है। सब कुछ बन जाएगा तो दिखाएंगे आज स्पेशल डिश बन रहा है और हमारे पापा का फेवरेट है। और मैं अभी चल रही हूँ आटा गूंथने और सब कुछ मेरा खाना बन जाएगा तो दिखाएंगे कितना अच्छा। और मुझे भी बहुत पसंद है दाल वाली पूरी, हम वहाँ पे नहीं बना पाते तो यहाँ पे खा लेते हैं। फाइनली हमारा खाना बन चुका है और बताया था कि क्या क्या बनाए, बट चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि खाना में हमारे क्या क्या बना हुआ है और कितना खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ है और हम दोनों लोग मिलकर खाना बनाए हैं। तो चलो दोस्तों, ये रहा हम लोग का हमारा सारा खाना। और पहले सब्जी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सब्जी, सोयाबीन आलू की सब्जी, ये रही दाल वाली पूड़ी और हमारे पापा का सबसे फेवरेट जो खाता होगा वो कमेंट कर बताना, ये है कढ़ी। और इस कुकर में है चावल। तो दोस्तों, आज हमारे घर पे यही सब बना हुआ है और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। और आज मैं मतलब हमारे पापा मम्मी बोले कि सनी जी को भी बुला दो, तो मैं बुलाई हूँ बट बोले नहीं घर पे, उनके बोले कि नहीं आ पाएंगे तो वो नहीं आ पाए, वरना आते तो ये भी खाते पूरी सब्जी कढ़ी चावल सब कुछ, तो वो नहीं आ पाए हैं। और चलिए आप सभी को अभी दिखाते हैं सर्व करके थाली में कि कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल खाना कितना अच्छा खाना होता है। और दोस्तों देखिए, हम खाना पूरा निकाल दिए हैं और यहाँ है कढ़ी सब्जी पूड़ी और चावल। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने का भी मन कर रहा है। मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हो गया सुबह, सुबह क्या 10 बज गया यार, और मैं उठी हूँ 7:30 बजे सो के, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा अस्कित आ जा रहे हैं। यहाँ पे काम है बट सोचते हैं चलो करेंगे ना, सब लोग कर देता है मिल के, तो इसके वजह से। और अभी मैं छत पे हूँ और मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप उप नहीं हुआ है आज का। और सनी जी को बहुत मिस करते हैं कि देखते हैं कब तक जाती हूँ मैं सनी जी के पास। अभी मैं छत पे हूँ और आप लोग को बता दें कि ज़्यादातर घर वालों को फैमिली को नहीं लेते हैं, कुछ वीडियो में आना चाहते हैं तो कुछ नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ला देते हैं। कब किसी दिन अपनी मम्मी से भी मैं आप सभी को मिलाऊंगी तो बताना आप लोग, तो मैं ज़रूर अपनी मम्मी से मिलाऊँगी। दोस्तों बता दें कि फैमिली को लाना इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि देखिए थोड़ा वीडियो चलता है, कुछ इनकम होता है तो मन भी करता है, लेकिन कुछ नहीं। इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा नहीं इस वीडियो मतलब वीडियो में लाते हैं, वरना हम घर पे हैं तो सबके साथ वीडियो बना सकते हैं। थोड़ा बहुत जो दीदी के बच्चे उन लोगों को हल्का फुल्का, मेरी सिस्टर आ जाती है, नहीं तो अपने ना पापा से ना मम्मी से आप लोग को भी मिलाएँ। आप लोग कमेंट करना और बस अपना प्यार सपोर्ट दीजिए तो हम सब घर वालों से मिलाएंगे आप सभी को। और सनी जी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कब तक जाएंगे अभी हम वहाँ पे डांस क्लास पे। सनी जी अपना अकेले मस्त होंगे और अच्छे ही होंगे, जहाँ भी हैं अच्छे होंगे। और कुछ नहीं, बात हो जाती है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, क्योंकि काम में वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं इसके वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा छोटा सा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।